जब यहाँ पे NIM उत्तरकाशी में आए तो क्या होता है कि हम यहीं के रहने वाले हैं, कई लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि एक लड़के को हम इंडियन आर्मी में भर्ती करा दें। अब आज भर्ती कराने के लिए अगर आप सिफारिश की बात करो तो आर्मी में तो कभी भी नहीं चलती है सिफारिश। तो अपनी सैलरी से, अपने गैलेंट्री अवार्ड से जो पैसे मिलते हैं, उससे हमने पहले एक लड़के को अपने घर में रखा और आर्मी के लिए ट्रेन करना शुरू करा। जब हमें दिखा कि ये लड़का जिसको हम ट्रेन कर रहे थे, इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो गई, अगर ये 6 मिनट में अपनी रनिंग पूरी करता था, एक डिस्टेंस मान लो, वही डिस्टेंस ये 5 मिनट में करने लग गया। एक पुशअप्स होते हैं, बीम होती है, जो कि फिजिकल एफिशिएंसी चेक करने के लिए टेस्ट के तौर पे पास करनी पड़ती है आर्मी ज्वाइन करने से पहले। तो जब वो बीम में भी इस लड़के की इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई, तो हमने क्या करा, 31 लड़के और उस एरिया से सेलेक्ट करे और टोटल 32 लड़कों को हम फिर NIM में ट्रेन करना शुरू करा। 3 महीने के बाद में जब आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली की डेट आई और ये लड़के वहाँ पे गए, और जब 32 लड़कों में से 28 लड़के आर्मी ज्वाइन कर गए, तो हमको लगा कि ये तो एक कामयाब होने वाला सिंपल सक्सेसफुल सा मॉडल है। और उसको देख करके फिर हमने 100 लड़कों की ट्रेनिंग का कैंप अलग अलग जगह लगाना शुरू करा। अब धीरे धीरे कोई 80-85% लड़के जब आर्मी ज्वाइन करने शुरू हो गए, तब हमने फिर एक इनिशिएटिव लिया और कुछ लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करके उनसे यूथ फाउंडेशन एक ट्रस्ट रजिस्टर करके और रेज करी। अब यूथ फाउंडेशन एक सेटअप बन गया है आज, जो कि इनकम टैक्स का भी उसको रिबेट मिल गया है, ATG जो क्लॉज होता है उसके। आज 10 कैंप्स चल रहे हैं, हर कैंप में कोई 150 स्टूडेंट की रहने की कैपेसिटी है। ट्रेनिंग करने की कैपेसिटी है तो उसमें एक स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना पीना रहना वो प्रोवाइड करा जाता है। उस कैंप में 2 इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, जो कम एज में आर्मी से आए हैं और जिन्होंने आर्मी में फिजिकल ट्रेनिंग के, माउंटेनियरिंग के कोर्सेज कर रखे हैं। तो वो इंस्ट्रक्टर्स, हर कैंप में 2 इंस्ट्रक्टर्स, एक कुक हो गया, एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक स्टाफ हो गया, वो इन कैंप्स को चलाता है। इस कैंप्स में हमने एसेंशियल बता रखा है कि किस तरीके से क्या ट्रेनिंग हमारे प्रोग्राम्स होंगे, जो सब कैंप्स में सिमिलर चलते हैं। तो टोटल आज हमारे जो 10 कैंप चल रहे हैं, उसमें से पिछले 3.5 साल में कोई 6,500 लड़के ट्रेनिंग लेकर के इंडियन आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं, और कोई 150 के करीब लड़के और लड़कियां होंगे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, बेल्टेड यूनिफॉर्म फोर्सेस जो होती हैं, BSF, ITBP, CISF, उत्तराखंड पुलिस, उनको ज्वाइन कर चुके हैं।